हाय गाइस, मेरा नाम है दीपिका। दीपा सॉफ्टवेयर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये मैंने बैग बनाना सिखा रही हूँ। एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट किया और उसके हिसाब से मैंने ये बैग बनाना सिखा रही हूँ आपको। अगर आपको ये बैग अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था वो ज़रूर इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये बैग अच्छा लगा कि नहीं, और आप चाहते हैं कि इससे बड़ा वाला बैग भी बनाऊं और इससे ज़्यादा चेन वाला, आगे में चेन और अंदर की तरफ चेन होगा उसी तरीके से वो वाला भी बैग बनाऊं और अलग अलग डिज़ाइन का मैं बैग बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। और चलिए ये बैग बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप इस बैग को कहीं कोई भी कपड़े से बना सकते हैं, आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये थोड़ा मोटा कपड़ा होगा, जैसे गफ फर हो या फिर थोड़ा शॉर्ट फर, उसी कपड़े से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा मोटा रहेगा तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, और सबसे अच्छा अगर आप इसे मशीन में सिल सके तो और भी अच्छा होगा। मेरे पास मशीन नहीं है, मैंने हाथ से जितना हो सका मैं कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो बनाना। और मैं कारपेट फर ली हूँ करीबन 30 cm, येल्लो वाइट और रेड, वो ये थोड़ा थोड़ा ही लगेगा, और लाइनिंग क्लॉथ 30 cm लग जाएगा। ये जो बेल्ट बैग में लगाते हैं ये वाला चाहिए, आप चाहें तो ये वाला लगा सकते हैं या फिर बना सकते हैं। मार्कर चाहिए मार्किंग के लिए, और उसके बाद थ्रेड और नीडल चाहिए। मशीन है तो मशीन में स्टिच कीजिए। और ये आइज़ नोज़ है, आप आइज़ नोज़ ये वाला भी आइज़ नोज़ ले सकते हैं, या फिर डॉग का जो लगाते हैं आइज़ वो भी यूज़ कर सकते हैं। और सीज़र चाहिए काटने के लिए, फाइबर रोल थोड़ा सा ही चाहिए करीबन 10-15 ग्राम के हिसाब से। और ये पैटर्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ से चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये हैंड पीस है, दो पीस कट कीजिएगा, जो चाहे कलर में कट कीजिएगा आप, टेडी जो भी कलर में कीजिए। इसको ऐसे मोड़ के यहाँ पर स्टिच लगाइएगा, देखिए यहाँ पे स्टिच लगा के ऊपर में जो साइड बड़ा है, देखिए ये साइड बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक स्टिच लगाइएगा। पार्ट है, दो फोर पीसेस में कट होगा और डार्ट को यहाँ से यहाँ तक जॉइंट होगा। देखिए मैंने डार्ट जॉइंट कर ली हूँ, देखिए। उसके बाद दोनों पीस को यहाँ पर रख के यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर ये वाला पार्ट, ये वाला नीचे का पार्ट है, कट करके यहाँ से ऐसे गोलाई में स्टिच कीजिएगा। उसके बाद ये वाला लेग का पार्ट है, यहाँ से यहाँ जॉइंट होगा, देखिए ये वाला लेग का पार्ट है, यहाँ से यहाँ पूरा जॉइंट होगा, ये पूरा लेग बन जाएगा। बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा, देखिए इसको उल्टा कर लीजिए, सिर्फ इसी में ही स्टफ डालिएगा, यहाँ पर मत स्टफ डालिएगा, यहाँ पर ही स्टफ डालिएगा। ये ईयर है, इसको फोर पीसेस में कट कीजिएगा, देखिए मैंने दो वाइट दो येलो कट किया है, देखिए इसी तरह रख के यहाँ से यहाँ स्टिच कीजिएगा, दोनों पार्ट को रख के स्टिच कर लीजिएगा। ये अपर बॉर्डर है, और उसके उसको कैसे रखेंगे, बीच वाला हिस्सा को कपड़े को साइड से कट कीजिएगा। देखिए मैं जैसे कट कर रही हूँ और जैसे स्टिच कर रही हूँ, स्टिच करना दिखा रही हूँ, वैसे ही कीजिएगा तो आपको आसानी होगा। ऐसे ऐसे कट कीजिएगा,
उसके बाद इसको बीच में से कट कीजिएगा। उसके बाद आप कपड़ा रखिएगा, उसके बाद लाइनिंग क्लॉथ रख के दोनों को ऐसे फोल्ड कीजिएगा दोनों साइड को। फिर चेन रख के और साइड साइड में स्टिच कर लीजिएगा। बस यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच कर ली हूँ, देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। फिर ये हेड का पार्ट है, देखिए दो साइड दो पीस ये वाला कट होगा और ये सेंटर वाला, यहाँ से यहाँ रख के स्टिच कीजिएगा। थोड़ा जगह छोड़िएगा ताकि हम ये ईयर इस तरह जॉइंट हो सके, थोड़ा सा जगह छोड़िएगा। देखिए मैं जॉइंट कर ली हूँ, देखिए जगह छोड़ने भूल गई थी, जगह छोड़ दूँगी फिर ईयर जॉइंट हो जाएगा। यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ डाल के आप ईयर को ऐसे जॉइंट कीजिएगा, अंदर की तरफ डाल के यहाँ से जॉइंट कीजिएगा। थोड़ा सा ही जगह छोड़िएगा, बाकी यहाँ पर जॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक जॉइंट होगा। देखिए मैंने यहाँ पर ये वाला भी जॉइंट कर लिया और नीचे वाला भी जॉइंट कर ली हूँ। फिर उसके बाद ये स्नाउट है, स्नाउट को इसी तरह रख के यहाँ पर जॉइंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए मैंने जॉइंट कर ली हूँ, उसके बाद ये जो नीचे की तरफ होगा यहाँ पर रख के पूरा गोलाई में स्टिच हो जाएगा, ठीक है। देखिए फेस का नोज़ और आईज ऐसे जॉइंट कर लीजिएगा अंदर की तरफ डाल के, देखिए। और फिर उसके बाद जो लाइनिंग क्लॉथ था हम लोगों ने उसको इस तरीके से कट कर लिया था, और आप क्या करेंगे इसको बाहर की तरफ स्टिच कीजिएगा और उसके बाद फिलिंग डालिएगा। देखिए मैंने स्टिच कैसे कर रही हूँ वो वाला दिखा रही हूँ आगे, आप अच्छे से देख लीजिएगा स्टिचिंग कैसे होता है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हाँ इसी तरीके से ही स्टिच कीजिएगा। देखिए मैंने स्टिच कर ली हूँ, बाहर की तरफ ही स्टिच कीजिएगा। उसके बाद आप इसको इसके अंदर फिलिंग डाल दीजिएगा, जितना होगा मुंह जैसे फूलेगा उसी हिसाब से आप फिलिंग डाल दीजिएगा। फिलिंग डाल के उसका जो ओपन पार्ट है उसको भी स्टिच कर लीजिएगा। देखिए मैंने स्टिच कर लिया, देखिए ये बैक का आगे वाला हिस्सा है, इसी तरह कट कीजिएगा। देखिए फ्रंट वाला हिस्सा है, देखिए पूरा कट करने के बाद एक पीस ऐसे कट होगा, देखिए यहाँ पर जॉइंट होगा। उसके बाद ये वाला हैंड आप यहाँ डाल के यहाँ से यहाँ जॉइंट होगा, हैंड बाहर की तरफ रहेगा, लेग भी जहाँ जो साइड डार्ट था उसी साइड को फ्रंट में रख के स्टफ डाल के यहाँ से अंदर की तरफ डाल के ये यहाँ से यहाँ तक जॉइंट होगा, दोनों लेग को डाल के दोनों हैंड को डाल के स्टिच होगा। इसको हम लोग देखिए ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है मैंने जो स्टिच करके दिखाया था, ये स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह ही दिखेगा। उसके बाद हम फेस को यहाँ पर स्टिच करेंगे बाहर की तरफ से, मतलब उसके ऑपोजिट हिस्से में, यहाँ से नेक को नेक एरिया में स्टिच कीजिएगा। उसके बाद गोलाई से इसका गोलाई जो हेड है उसको स्टिच कीजिएगा। स्टिच कैसे होता है देख लीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्टिच कैसे होता है कहाँ कैसे होता है वो मैंने अच्छी तरीके से दिखाया है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा।
ये बैक वाला पोर्शन है बैग का, और ये साइड वाला, और ये नीचे का। इसका भी लाइनिंग क्लॉथ है। देखिए लाइनिंग क्लॉथ कुछ इस तरह कट कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के सीम अलाउंस के लिए। सबका कट कीजिएगा साइड में, और ये साइड में, और इसका यहाँ से यहाँ तक जॉइंट होगा। मशीन है तो मशीन में अच्छे से स्टिच कर लीजिए, मजबूती रहेगा। और हमने ये वाला बेल्ट जो बैग में लगता है वो परचेज किया था, उसको ये नीचे वाले हिस्से में इसी तरह डाल के यहाँ पर इस तरह डाल के, पहले इस तरह डाल के दोनों पीस को। मैं छोटा बना रही हूँ इसलिए वो जो एडजस्टेबल बेल्ट वो नहीं दी हूँ। आप अगर बड़ा बना रहे हैं तो एडजस्टेबल बेल्ट भी जरूर दीजिएगा। यहाँ पर यहाँ से पूरा स्टिच होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टिच कीजिएगा। देखिए फेस स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम जो बैक पार्ट स्टिच किए थे उस पर स्टिच करेंगे। देखिए ये वाला मैंने पहले से जो दिखाया था वो वाला स्टिच कर ली हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक, और ये साइड वाला हिस्सा भी स्टिच कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ऐसे उसको सारे चीज़ों को अंदर की तरफ डालिएगा, और ये बेल्ट को भी स्टिच कीजिएगा। कैसे स्टिच कीजिएगा देखिए, ये वाला हिस्सा को ऐसे बैक अंदर की तरफ रखिएगा। उसके बाद लाइनिंग क्लॉथ रख के उसको जैसे हमने बैक वाला पोर्शन जैसे इस बॉर्डर पे स्टिच किया था वैसे ही आप लोग यहाँ पर बॉर्डर पे स्टिच करते जाइएगा। यहाँ से यहाँ तक स्टिच होगा, यहाँ से यहाँ तक स्टिच होगा, और ये वाला हिस्सा इसको भी बैक पोर्शन में स्टिच होगा। ये देखिए जो बेल्ट हमने जो बनाया था स्टिच करके, देखिए ये वाला स्टिच हो गया है। उसको यहाँ पर जैसे नीचे का साइड का बॉर्डर स्टिच हुआ था वैसे ही आप लोग स्टिच करते जाइएगा। पूरा स्टिच जैसे पूरा माप के, हाँ यहाँ से यहाँ तक स्टिच होगा। और उसके बाद ये वाला हिस्सा को नंबर मैंने लिख दी हूँ पैटर्न में, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसको अंदर की तरफ डाल के बैक साइड में और स्टिच करते जाइएगा। ये बॉर्डर को यहाँ पर डाल के पूरा एरिया को यहाँ से यहाँ तक स्टिच कीजिएगा, और पलट के इसको यहाँ से यहाँ तक स्टिच कीजिएगा। देखिए पूरा स्टिच हो गया, बैग पूरा स्टिच हो गया। वो जो किनारा किनारा था उसको अच्छे से थोड़ा क्लीन दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी क्लॉथ हो, कॉटन का क्लॉथ हो या फिर आपके पास बॉर्डर हो, उसको आप लेके ऐसे साइड साइड को फोल्ड करके जहाँ पर हमने स्टिच किया था उसके ऊपर रख के रनिंग स्टिच, जैसे नॉर्मल रनिंग स्टिच होता है उसी तरीके से स्टिच कीजिएगा। अगर आपके पास मशीन है तो ऐसे रख के मशीन में स्टिच कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, साइड वाला बॉर्डर हिस्सा थोड़ा क्लीननेस आ जाएगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा, हाथ डालने में भी कुछ